दृश्य आपने मुझे दर्शन दे दिए, अर्थात आपने मेरा पश्चाताप स्वीकार कर लिया। आज मेरे द्वारा समस्त संसार को एक सीख अवश्य मिलेगी। एक व्यक्ति संसार भर के लिए भले ही कुछ भी क्यों ना कर ले, किंतु उसे उन्हें नहीं भूलना चाहिए जिनके लिए वो संसार और में अंतर नहीं करना चाहिए। मुझे मेरी मृत्यु का दुख नहीं, मुझे तो मेरे दोष का दंड मिला है। अंधकार की कलिमा को हटाने के लिए प्रकाश की केवल एक किरण ही पर्याप्त है, जो अपनी भूल का आभास करके उसे सुधारने को तत्पर हो, भविष्य में उस भूल को ना दोहराने को निश्चयी हो, उसे अवसर देना चाहिए। चंद्रदेव, अर्थात मैं आपको पुनः अपनी जटा में धारण करूंगा ताकि आपकी मृत्यु ना हो सके। हे नारायण, चंद्रदेव का दुख तो शिवजी ने काट दिया, पर जिनका श्राप काटा गया है उनको भी तो ज्ञात होना चाहिए ना। मुझे आज्ञा दे प्रभु। पश्चाताप से बड़ा कोई उपचार नहीं, और अपनी भूल को स्वीकार कर लेना उससे बड़ा स्वयं पर कोई उपकार नहीं। चंद्रदेव, आपके पश्चाताप ने आपके दोष के ताप को काटा है, आपको मैंने नहीं, आपके पश्चाताप ने आपकी पत्नियों के अनंत प्रेम ने बचाया है। उनके आंसुओं ने आपको जीवन दान दिया है। ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। चंद्र की मृत्यु का लाभ उठाकर हमें वश में कर लेना है स्वर्ग। क्या हुआ, तुम सब मौन क्यों हो गए? माता, वो देखिए,
शक्ति का खेल देखिए। जो श्वेत कपड़े चंद्रदेव को पसंद है वही हमारी पुत्रियों को धारण करने हो। जब वो नहीं रहेंगे। नारायण नारायण हरि हरि। इतने सारे श्वेत वस्त्र किसे शांति प्रस्ताव भेज रहे हैं प्रजापति? शिव को। समय के अनुसार शब्दों का चुनाव करना सीखो नारद। ये मेरे जमाए की शोक सभा है। अच्छा, मैं तो आनंद सभा में सम्मिलित होने आया था। मेरे घावों पर नमक छिड़कने आए हो? अरे भैया, शोक और श्राद्ध तो जो चला गया है उसके लिए मनाया जाता है, परंतु जो मृत्यु के मुख से लौट आया हो उसके लिए तो आनंद सभा ही होनी चाहिए ना। हाँ? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो बाहर चलकर देखिए, शिव ने आप सबके लिए उपहार भेजा है। चंद्रदेव का तेज लौट आया अर्थात उनके प्राण बच गए। चंद्रदेव सही कहते थे, शिव के प्रति आस्था ने ही हमारे 27 पुत्रियों को विधवा होने के शोक से बचाया है। शिव ने चंद्र को आस्था का प्रसाद नहीं दिया है, मुझे शत्रुता का प्रतिसाद दिया है। शिव पहले मेरे पिता का शीश काटा और अब मेरा श्राप काटकर पुनः मेरा अपमान किया है। जिस शिव ने चंद्र को अपने शीश पे धारण करके समस्त संसार को एक बहुत बड़ी आपदा से बचाया, आज से ये समस्त संसार उन्हें चंद्रशेखर के नाम से भी जानेगा। आज से इस पावन भूमि को सोमनाथ के नाम से जाना जाएगा। सोमनाथ के नाम से जाना जाएगा। अर्थात सोम के नाथ शिव ने उन्हें नया जीवन प्रदान किया। चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर की। आपको प्राण दान मिला है चंद्र, परंतु किसी के शाप का अपमान नहीं हो सकता। तो क्या मैं पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा? हाँ, प्रजापति के शाप के अनुसार आपका क्षय होगा। 15 दिन आपका तेज शून्य होगा और 15 दिन के इस समय को चंद्र क्षीण पक्ष या कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाएगा। परंतु आपके पश्चाताप का अमृत आपके शाप के विष को काटेगा और अगले 15 दिन धीरे धीरे आप अपने तेज को पुनः प्राप्त करेंगे और इसे शुक्ल चंद्र पक्ष कहा जाएगा। ये हर माह होगा और ये केवल प्रजापति के शाप का मान नहीं अपितु इस संपूर्ण संसार के लिए ज्ञान होगा कि कोई भी अपने दुष्कर्मों के फल से बच नहीं सकता, उसे परिणाम भोगना ही होगा। परंतु यदि मन में पश्चाताप हो और कर्म में प्रयास, तो व्यक्ति केवल अनजाने में की गई भूल का प्रायश्चित कर सकता है और पुनः अपना तेज प्राप्त कर सकता है। रोहिणी दीदी, रेवती दीदी, आप लोग
इतने प्रसन्न हैं। चंद्रदेव कहाँ हैं? वो देखो। तुम्हारा दिखाया मार्ग और शिव की कृपा, चंद्रदेव का श्राप भी कट गया और पिताश्री का मान भी रह गया। तो नारायण ने सत्य कहा था, पिताश्री पे अब कोई कलंक नहीं लगेगा। कलंक लगा है आपके भक्त के तेज बल पर नारायण, दर्शन दीजिए, अन्याय हुआ है मेरे साथ। अब उस शिव के साथ मित्रता छोड़कर आपको उसे दंड देना होगा, दर्शन दीजिए। विचलित क्यों हो दक्ष? ये आप पूछ रहे हैं? शिव ने मेरे श्राप को काटकर नियति का अपमान किया है, अन्याय किया है मेरे साथ। मेरी दृष्टि में शिव ने कोई अन्याय नहीं किया है। आश्चर्य, इतनी अंधभक्ति अपने आराध्य के लिए, क्यों चंद्रक्षय होकर मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ? क्यों इसका तेज अभी भी पहले जैसा है? जो हुआ उसमें अन्याय नहीं, शिव का न्याय था दक्ष। तुमने जो किया उसमें न्याय कम प्रतिकार अधिक था, पर धन्य है शिव। हां, तुम्हारे क्रोध में दिए हुए शाप को काटा, पर न्याय के वचन को सुरक्षित किया, चंद्रदेव को उनके दोष का दंड भी दिया और पश्चाताप का फल भी, और सबसे अधिक तुम्हारे शाप का मान भी रखा और इस संसार को सीख दी कि सर्वशक्तिशाली शिव को पाकर भी यदि चंद्रदेव कोई भूल करेंगे तो उन्हें भी दंड मिलेगा। चंद्र को भी उनके भूल का दंड मिला। सीख यही है कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें, भावना के आगे कर्तव्य ना भूलो। अब तुम पर है, शिव से अपनी शत्रुता निभाना चाहो तो वो निर्णय तुम्हारा है दक्ष। भी समय है आर्य, आप अपनी भूल सुधार लीजिए, शिव से शत्रुता आप छोड़। मेरे मार्ग से हटो प्रसूति। रुक जाइए प्रजापति, आपको मेरी सौगंध। नारायण ने कहा और मैंने चुन लिया, शिव से शत्रुता का अंत होगा। अब बार बार अपना अपमान नहीं सहेगा प्रजापति तक। अब संसार में या तो कपाली शिव रहेगा या मैं। पिताश्री ऐसा मत कीजिए। रुक जाइए आर्य, पहले ही हमारा परिवार इस शत्रुता की ताप से जल चुका है, आप इसे आगे मत बढ़ाइए, मेरी विनती है। कोई लाभ नहीं है मां, जाइए पिताश्री, करिए युद्ध शिव से। उन्होंने आपके साथ अन्याय जो किया है, परंतु आपने आपने कौन सा न्याय किया है हमारे साथ? ये समय इन सब बातों का नहीं है दीदी। आपके पास हमारे लिए समय ही कहाँ होता है? देवता तो हमारे शत्रु थे ही, पर आप भी कोई कम नहीं है पिताश्री। दीदी मैं छोटी हूँ, लेकिन अपनी ही बहन के द्वारा अपने पिताश्री का अपमान मैं सहन नहीं करूंगी। पिताश्री मेरे पूज्य है।
बहुत ही भोली हो तुम सती, पर तुम्हारा क्या दोष? इस संसार की पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय छुपा कर जो रखा है तुमसे हमारे पूज्य पिताश्री ने। आधा सत्य पूरे झूठ से कहीं अधिक हानिकारक होता है सती। आज मैं अपनी छोटी बहन को इस कथा का अनकहा भाग सुनाऊंगी, फिर तुम ही निर्णय ले लेना कि हमारे पिताश्री कितने निर्दोष हैं और कितने अपराधी। मैं नहीं मान सकती कि हमारे पिताश्री ने मुझसे कुछ भी असत्य कहा है। असत्य नहीं, परंतु आधा सत्य बताया है। पूरा सत्य तो हमारे पिताश्री ने बताया ही नहीं तुम्हें सती। तुम स्वयं तो अप्रसन्न और असंतुष्ट रहती ही हो दीदी, जहां भी जाती हो अप्रसन्नता फैलाती हो। मैं जब भी अपने अधिकारों की बात करती हूँ तो मेरा सत्य आपको अंधकार ही लगता है ना? तो ठीक है, मैं इस अग्नि की शपथ लेती हूँ सती, यदि जो मैं कहने जा रही हूँ उसका अंश मात्र भी असत्य हो तो ये अग्नि उसी क्षण मुझे भस्म कर दे। बताइए पिताश्री, जब देवताओं को स्वर्ग दिया गया तो क्यों आपने हम असुरों को नरक सहर्ष जाने दिया? क्यों जब चंद्रदेव अपना कर्तव्य निभाने को नहीं तैयार थे तब भी उनकी शक्तियां हम असुरों को नहीं दी गई? क्योंकि तुम योग्य नहीं थे। मैं योग्य नहीं थी तो ये बताइए कि अपनी ही पुत्रियों का चंद्र के ना चाहते हुए भी उनसे विवाह करवा दिया, वो न्याय था? और मारुतों के साथ क्या किया, क्या वो भी सती को बताऊं मैं? मारुत? हाँ, मारुत सती जो आज शिवगण है वो मेरी संतान थे। ये घटना तुम्हारे जन्म से पूर्व की है, जब इंद्र ने मेरी अजन्मी संतान के अनेक टुकड़े कर दिए थे केवल इस भय में कि मेरा वो पुत्र बड़ा होकर बलशाली बनकर इंद्र का स्थान उसका स्वर्ग उससे छीन न ले। तब किसी ने न्याय नहीं किया, शिव ने भी नहीं, वो तो मेरे पुत्रों को उससे दूर ले गए, जीवित किया परंतु अपनी माता से दूर कर दिया। पर उन शिव को क्या दोष देना जब मेरे ही पिता ने मेरा साथ नहीं दिया। अरे शिव मेरी संतानों को मुझसे दूर ले गए पर उन्हें जीवित तो रखा, अकेले होते हुए भी उनका पालन पोषण किया, परंतु ये इन्होंने मेरी टूटी हुई ममता को कभी सहारा नहीं दिया। ऐसे हैं हमारे पिताश्री। और भाग्य देखो, जब मेरे वो पुत्र इनके स्वयं के नाती इनसे मिलने आए तब इन्होंने क्या किया? तुम तो वहां थी ना सती, तुमने देखा था ना कैसे इन्होंने उन्हें सदा के लिए कारागार में डाल दिया। मैं इन्हें वही दंड दूंगी जो मेरे पिता शिव भक्तों को देते आए। इन शिव गणों को मैं स्वयं कारागार लेके जाऊंगी। हमारे पिता को अभ्यास है अपनी भूल दूसरे के माथे मरने का, चाहे चंद्र की भूल हो या उसे दिया हुआ श्राप। मैं ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष
तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारा क्षय होगा। अपनी ही पुत्रियों के विधवा होने का कारण बनने जा रहे थे ये, परंतु दोषी शिव को ठहरा रहे हैं। शिव ने तो आज भी न्याय ही किया ना। मैं आपको पुनः अपनी जटा में धारण करूंगा ताकि आपकी मृत्यु ना हो सके। इन्होंने तो अपनी ही संतान का भविष्य सदा ही नष्ट किया है। देखो सती, मैं अब भी तुम्हारे समक्ष खड़ी हूं। अग्नि ने मुझे जलाया नहीं, इसका अर्थ है कि मेरा एक एक शब्द सत्य है। अब तुम ही सोचो सती, शिव जिन्होंने मेरे पुत्रों को जीवन दान दिया, चंद्र का जीवन बचाकर हमारी बहनों को विधवा होने से बचाया, जिन्होंने शिव भक्तों की भक्ति का मान रखते हुए उन्हें कारागार से मुक्त कराया, क्या शिव की उपासना करना चंद्र का अपराध है? अब निर्णय तुम्हें करना है सती, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी अन्याय का पात्र बनना पड़े। सती, कोई आवश्यकता नहीं है दीति की बातों पर ध्यान देने की। परंतु पिताश्री, आपने मुझसे क्यों छुपाया कि शिवगन दीति दीदी के पुत्र हैं? उससे क्या लाभ होता? स्मरण करो कि ये शिवगण अपने नाना श्री से मिलने नहीं आए थे, वो शिव की योजना का भाग थे। छुपते छुपाते तुम्हारे जन्मोत्सव में आए, साथ में शिवलिंग लाए तुम्हें भेंट करने के लिए, ये जानते हुए कि मैंने शिव की आराधना पर प्रतिबंध लगा रखा है। क्या उनका अपराध कम हो जाता यदि मैं तुम्हें ये बताता कि वो दीति के पुत्र हैं? मेरी मंशा कभी भी तुम्हें सत्य से दूर रखने की नहीं रही है। मैंने बचपन में कहा था ना, मैं तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकता, और यदि मुझे तुमसे कुछ छिपाना ही होता तो क्या मैं दीति को ये सब बोलने का कहने का अवसर देता? और तुम दीति, मेरी सती के सामने अपना ये रोने पीटने का ढोंग बंद करो। सब जानते हैं कि तुम्हारी मंशा सदैव लालच से भरी होती है, सबको भ्रमित करके अपना लाभ निकालती हो। तुम न शिव की शुभचिंतक हो न मेरी। शिव ने तुमसे तुम्हारी संतानें छीन ली और मैंने तुम्हें कभी भी कुछ अनुचित नहीं करने दिया, इसलिए अब अवसर पाते ही यहां आ गई हो मेरी सती को भ्रमित करने, और बार बार बिना निमंत्रण यहां आकर अपना असुर होना सिद्ध मत करो। सिद्ध क्यों करूं? हाँ है हम असुर, और हमें भी शक्ति का अधिकार है, वैसे ही जैसे सती को सत्य जानने का अधिकार था। मुझे सदा ही मेरे अधिकारों से वंचित रखा गया, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन को भी सत्य जानने के अधिकार से वंचित रखा जाए। मेरा देवताओं से बैर है, तुमसे नहीं बहन। अब तुम स्वयं विचार करना कि दोषी केवल वो शिव है या हमारे पिता भी। Yeah!
सृष्टि का भक्ति साधना का मार्ग है वो मुक्ति का अब तुम भी विश्राम करो। सब समझते हैं शिव सन्यासी हैं, पर अपनों के लिए कितना अनुराग है शिव में। एक बार इन्हें जानकर कौन इनसे दूर रह सकता है। शिव, जिन्होंने मेरे पुत्रों को जीवन दान दिया, चंद्र का जीवन बचाकर हमारी बहनों को विधवा होने से बचाया, जिन्होंने शिव भक्तों की भक्ति का मान रखते हुए उन्हें कारागार से मुक्त कराया, क्या शिव की उपासना करना चंद्र का अपराध है? क्या हो तुम शिव? क्या है तुम्हारे और मेरे पिता के मध्य? तुम्हारा वास्तविक रूप क्या है? किसी का शीश काट देते हो, किसी को मृत्यु से बचाकर जीवन आशीष देते हो, किसी का कभी ना कटने वाला शाप हर लेते हो और शाप देने वाले को कलंक से भी बचा लेते हो, मित्रों को प्राण देते हो, शत्रुओं को भी सम्मान देते हो। तुम्हारा सच क्या है? क्यों है तुम्हारे चरित्र में इतना इतना विरोधाभास? प्रेम, स्वार्थ से रहित और कर्तव्य से भरा प्रेम। हाँ देवी, वो प्रेम ही है जिसके कारण गण प्रेत इस शिवलिंग को भेंट बनाकर लेकर आए और उन्होंने कारावास भी भोगा। वो प्रेम ही है जिसके कारण चंद्रदेव को श्राप मिला और जीवन दान भी। और शत्रुता, उसका प्रेम से क्या संबंध? यदि शत्रुता घृणा ना हो तो प्रेम और मित्रता का भाव कैसे समझा जाएगा? सब भावनाओं का ही खेल है देवी। यदि तपते सूरज को प्रेम भाव से देखो तो वो जीवन ऊर्जा देता लगता है, और उसी सूर्य को यदि हम शत्रुता के भाव से देखें तो वो शरीर को झुलसा देने वाला बैरी बन जाता है। सत्य तो ये है कि सूर्य वही कर रहा है जो उसका कर्तव्य है, ताप देना, प्रकाश देना। परंतु प्रेम तो मेरे पिताश्री भी करते मुझसे, अपने न्याय से, क्या वो अनुचित है? कर्तव्य के बिना प्रेम पराजय है, ऐसा सुना है मैंने किसी से। मैं भावनाओं की बात कर रहा था। भावनाओं में बंध कर हम मित्र को शत्रु समझ लेते हैं और भेंट को उपहास। हमारी भावना उचित है या अनुचित, इसका ज्ञान कैसे होगा? अपनी भावनाओं की गहराई तक पहुंचने की यात्रा व्यक्ति को स्वयं करनी पड़ती है। नारायण नारायण हरि हरि।
तुम हो क्या? तुम्हारा सच अब वो मारुति बता सकते हैं जो ये भेंट लेकर आए थे। ये भेंट लौटाने का समय आ गया है। गणो उठो, भोर हो गई है। गणो, अरे कैलाश की क्या दशा कर रखी है? उठो, इसे स्वच्छ करो और हर वस्तु को संभाल कर रखो, क्योंकि ये कैलाश हमारा घर है और घर को सदैव स्वच्छ रखना चाहिए। पर शिव, हम तो सदा से ही ऐसे हैं। पहले तो आपने कभी कुछ नहीं बोला, तो क्या जो आज तक नहीं किया उसे फिर कभी नहीं करोगे? यदि कोई अतिथि आ गया तो? हमारे यहाँ तो कोई नहीं आता, हम ही तो रहते हैं इस निर्जन कैलाश पर। आएगा, कोई भी आ सकता है। नारायण आते हैं, नारद आते हैं, वो सादर में मुझे कुछ नहीं कह पाते, परंतु मन में क्या सोचते होंगे। चलो उठो और इसे स्वच्छ करो। इससे पहले प्रभु शिव ने ऐसा आदेश नहीं दिया? मुझे तो लगता है अवश्य हमसे कुछ छिपा रहे हैं। पर वो क्यों छिपाएंगे? नारायण नारायण, अरे नंदी, गण प्रमुख नंदी। देवश्री प्रणाम। सदा शिव की सेवा में लीन रहो। गण प्रमुख नंदी, आज का दिन इतना विशेष है, ये लो, आज के विशेष दिन पर विशेष शिव पूजा के लिए ये मेरी ओर से दूध अर्पण कर देना। और आज का दिन इतना विशेष है और कोई तैयारियां नहीं हुई, ऐसे कैसे? हमें तो कुछ पता ही नहीं कि क्या विशेष है आज। मेरे प्यारे भोले नंदी, आज का दिन विशेष नहीं, बहुत विशेष है। क्यों? क्योंकि आज कैलाश पर देवी सती आने वाली है। क्या? क्या? देवी सती आने वाली है। चलो चलो, शीघ्रता करो, काम पे लग जाओ। अरे रुको रुको रुको, आराम से आराम से, तनिक ध्यान से, इतना भी उत्सुक मत हो जाओ। और हाँ, आज देवी सती आने वाली है, हो सकता है प्रभु को ज्ञात ही ना हो। हाँ, और उन्हें ज्ञात भी नहीं होने देना, देवी सती को देख के चौंक जाएंगे मेरे शिव। देवऋषि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो शिव गणों, करो तैयारी, आने वाली है सबसे न्यारी। कैलाश की साफ सफाई तो होती रहेगी, पहले अपनी साफ सफाई कर लो, कितने दिन से नहाया नहीं है, जाओ नहा लो। और सुनो गणों, प्रभु शिव को पता नहीं लगना चाहिए। चलो काम करो काम करो, शीघ्रता करो। प्रणाम प्रभु। क्या नहीं बताना नंदी? वो नहीं, नारद जी ने दूध लाया था। अरे वाह, कितनी अच्छी स्वच्छता चल रही है कैलाश की। आज तो ध्यान में आनंद आ जाएगा। हाँ प्रभु। हाँ, आनंद तो आएगा। Thank you.
आज कोई विशेष पूजा की तैयारी हो रही है? हाँ, आज विष्णु सहस्त्रनाम की पूजा होनी है प्रसूति। आज अचानक विष्णु सहस्त्रनाम का जाप क्यों? कल पूरी रात सोच विचार के बाद इस निर्णय पर पहुंचा हूं। बीते दिनों जो कुछ भी हुआ उससे मन बहुत विचलित है। कदाचित सती के मन में भी शिव को लेकर कई विचार उठ रहे होंगे। अतः नहीं चाहता कि शिव से संबंधित कोई भी अभद्र विचार सती के मन में आए। मन की शुद्धि के लिए विष्णु पूजन आवश्यक है। सती कहाँ है? सती सज्ज नहीं हुई अभी तक। क्षमा प्रजापति, कुमारी सती अपने कक्ष में नहीं है। अरे उपवन में फूल चुगने गई होगी, वहां देखो। उपवन में भी नहीं है, पूरे राजभवन में कहीं नहीं है। इन शिव गणों को मैं स्वयं कारागार लेके जाऊंगी। पता नहीं था हम देवी सती का नहीं संकट का स्वागत करेंगे। लगता है हमें फिर बंदी बनाने आ रही हैं। मारुतो रुको। मैं तुम्हारी भेंट लौटाने आई हूं। शिव ने गणों को उनकी माता से दूर रखा, पर लगता नहीं कि उन्हें संभालने में कोई कमी छोड़ी है। देवी, कैसी लगी सजावट? हमने सजाया कैलाश, है ना सुंदर हमारा घर। वैसे तुम लोगों की बातें ना मेरी समझ में नहीं आती। वैसे तुम्हारे शिव कहाँ हैं? ये सभी गण किसकी आरती कर रहे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार। ये स्वर तो सुना हुआ लग रहा है। इंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ईश्वर तो बरसों पूर्व सुना था आपने देवी, स्मरण है मुझे। मुझे ना लोग बैल बुद्धि कहे, मैं कोलू के बैल के भांति मैं शिव का नाम लिए चारों ओर घूमता हूँ। पहचान आपने नंदी? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हें शिव ले गए थे ना? जी, सारे मार्ग शिव तक जाते हैं। बस मुझे थोड़ा पहले मार्ग मिला और आज बस अब ढूंढते हुए चली आई। मैं शिव से मिलने नहीं आई हूँ, मैं तो मारुतों से मिलने आई थी, उनकी भेंट लौटाने। अच्छा, तुम तो बिल्कुल पहले जैसे हो, तुम्हारा स्वर तो बिल्कुल नहीं बदला। बदले तो आप नहीं देवी सती,
पहले नारायण के लिए पुष्प खोजते हुए शिव को पा गई थी और अब मारुतों को खोजते हुए शिव के द्वार आ गई। लगता है आपका लक्ष्य शिव है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना मैं तो मारुतों से। वैसे अब सोच रही हूं कि यहां आई हूं तो शिव से भी मिल लूं। कहां है शिव? कहां है शिव बोलो ना। यही तो है शिव। नंदी, बचपन में तुम विचित्र बातें करते थे, अब भी कहां है शिव? यही तो है शिव। तुम सब अपने घर आए अतिथि का उपहास बना रहे हो, झूठ बोलते लज्जा नहीं आती? यही सिखाया है तुम्हारे शिव ने। मैं अभी सिद्ध करती हूं कि तुम सब मिलकर मुझे मूर्ख बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। देखा, अगर शिव यहां होते तो ये फूल नीचे नहीं गिरते। झूठे हो तुम सब। कह देना शिव से जब वो लौटे कि दाक्षायणी सती आई थी, उनसे मिलने नहीं मारुतों से मिलने, और उन्हीं से मिलकर जा रही है। माता सती रुकिए। माता सती, मेरा उपहास बनाने का एक और षड्यंत्र। माता रुकिए ना, माता रुकिए। प्रभु, आपने देवी सती को दर्शन क्यों नहीं दिए? देवी सती का संकल्प मारुतों से मिलने का था, जो पूर्ण हुआ। जब मुझसे मिलने आएंगी तब मैं मिलूंगा। सभी यशस्वी होने के लिए परिश्रम करते हैं, पर क्या आप यशस्वी हो पाते हैं? क्या यशस्वी होने के लिए केवल आत्मबल और मनोबल पर्याप्त हैं? नहीं, इन गुणों के साथ साथ आवश्यक है समर्पण, क्योंकि आत्मबल विश्वास जागृत करता है, मनोबल आत्मविश्वास, और समर्पण यश को जागृत करता है। इसलिए जो भी कार्य करें उसे संपूर्ण समर्पण के साथ करें, ताकि यश भी आपके प्रति समर्पित हो जाए। और स्मरण रखिए, समर्पण से एक कंकड़ भी शंकर बन जाएगा। ओ।
हो।